हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, पिछले एपिसोड में तो आपको पता ही है क्या हुआ था। जो फ्रीजा है, फ्रीजा ने अटैक करने शुरू कर दिए थे पिकोलो के ऊपर, और पिकोलो की हालत बहुत ख़राब थी और गोहान उसके ऊपर अटैक करने चला गया था। और दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। जो फ्रीजा है वो एक के बाद एक अटैक कर रहा है पिकोलो के ऊपर, और पिकोलो को कभी गर्दन पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे वो सारे अटैक लगते हुए होते हैं। तभी जो फ्रीजा होता है वो आता हुआ देख लेता है गोहान को, और वो पिकोलो को एक अटैक मारता है। पिकोलो दूर जाकर गिरता है और वो गोहान उसके ऊपर अटैक कर देता है, एक लात मारता है, जिससे कि फ्रीजा बच जाता है और वो घूमकर हवा में चला जाता है। और गोहान हवा में जाकर ऊपर से एक पावर बनाता है और वो फ्रीजा को मारता है। फ्रीजा अपनी सेकंड फॉर्म में है और वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर, और उसके अटैक को वहीं पर खड़ा होकर रोकने की कोशिश करता है। और जबकि जो गोहान है उसका ये अटैक इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसकी हालत खस्ता होने लगती है, और वो उसे पकड़ तो लेता है लेकिन वो ज़मीन पर आ रहा होता है। और जो गोहान है वो अपने पावर लेवल और ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। जो क्रिलिन है वो कहता है, नहीं गोहान, इतना बड़ा अटैक कैसे। और जो गोहान है वो कहता है या, और वो ज़्यादा ताकत लगा रहा है। और जो फ्रीजा है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और उसकी शक्ल एक बंजर जैसी हो जाती है। लेकिन जो गोहान है वो अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ता है और कहता है, नहीं मैं हार नहीं मानने वाला। और जो फ्रीजा होता है वो नीचे आने लगता है और वो ज़मीन पर टिकने वाला होता है, मतलब कि उसका अटैक बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, जो कि भारी पड़ रहा है फ्रीजा जैसे मॉन्स्टर पर। और तभी जो फ्रीजा होता है वो अपनी पूंछ लगाता है ज़मीन पर और उस अटैक को घुमाकर फेंक देता है गोहान के ऊपर ही। और वो अटैक जैसे गोहान के ऊपर गोहान को लगने वाला होता है, उसके सामने आ जाता है पिकोलो, और पिकोलो उस अटैक को आकर अपना हाथ मारता है, जिससे कि वो अटैक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और वो छोटे छोटे टुकड़े जहाँ भी जाकर गिरते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पीस, वहीं पर बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी जो गोहान है वो पिकोलो को देखकर खुश होता है और कहता है, तुम ठीक हो पिकोलो सैन। और ये देखकर जो फ्रीजा होता है, फ्रीजा और ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, ये इस बच्चे में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो अलग बात है इसमें, पर मैं इससे नहीं हारने वाला, इस विजेता के बच्चे ने सही कहा था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। और जो गोकू है वो कहता है कि पिकोला का पावर लेवल कम हो रहा है और फ्रीजा वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर तभी हमें गोहान दिखाया जाता है, जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख रहा है। और जो वेजिटा है वो कहता है क्रिलिन को, ए सुनो फटाफट, तुमने देखा ना कैसे गोहान की पावर बढ़ी थी, मतलब कि उस छोटे सैयन बच्चे की पावर बढ़ी थी जब उसने उसे हील किया था। ये एक सैयन की खास बात है, जब उसे बहुत बड़ी चोट लगती है तो जब वो चोट सही हो जाती है तो उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। अब तुम मेरे ऊपर अटैक करो और वो छोटा हरा पिद्दी मुझे हील करेगा और मैं पावरफुल हो जाऊंगा और फिर हम फ्रीजा को आसानी से हरा सकेंगे। देखा तुमने, फ्रीजा कितना ताकतवर हो गया है। तो क्रिलिन कहता है, नहीं मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर हमें फ्रीजा दिखाया जाता है और फ्रीजा कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हरे भरे, ये तो बस डेमो था, अब तुम मेरी लास्ट फॉर्म देखोगे, मेरी लास्ट फॉर्म। और ये सुनकर गोहान और पिकोलो सब डरने लगते हैं कि क्या वो अपनी आखिरी फॉर्म में आने वाला है, और वो एनर्जी बढ़ाना शुरू करता है। और तभी जो पिकोलो होता है वो कहता है, गोहान मुझे पकड़ो। और जो विजिटा होता है वो कहता है कि एक टकले सुनो, सिर्फ यही मौका है, प्लीज़ जल्दी करो और मुझे वो पावर मारो। और जो क्रिलिन होता है वो कहता है, नहीं पर मैं कैसे मार सकता हूँ। और जो वेजिटा होता है वो कहता है, सिर्फ यही चांस है, जल्दी करो जल्दी। और फिर हमें डेंडर दिखाए जाते हैं, पिकोलो दिखाया जाता है, वो सब डर रहे हैं, और जो फ्रीजा है वो अपना पावर लेवल बढ़ा रहा है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुलमा का। जो बुलमा है वो बिचारी प्यास को तरसते हुए आती है एक झील के पास, और वो झील में जैसे ही पानी को देखती है तो वो पानी उड़ना शुरू कर देता है और चारों तरफ पानी उड़ रहा है। फिर वो छोटे छोटे बुलबुले के आकार ले लेता है और बुलबुले के आकार के रूप में उड़ने लगता है। और ये देखकर जो बुलमा है वो घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, और वो पानी कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, और बुलमा की तो हवा ढीली होने लगती है और वो कहती है, बचाओ मुझे।
और फिर हमें गोकू के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू हील हो रहा है, वहाँ की जो शीशा रखी होती है कांच की वो फूट जाती है फ्रीजा के पावर लेवल के कारण। फिर जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम तो मुझे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, और तभी जो ग्रिल होता है वो छोटा सा हमला बनाता है और क्यों फ्रीज वेजिटा को मारता है, और वेजिटा एक हाथ से रोक लेता है और कहता है कि इससे काम नहीं होने वाला। और जो ग्रिल होता है वो अपनी पावर बनाता है और पीछे देखता है और तुरंत उसे मार देता है, जिससे कि वेजिटा के शरीर में एक बहुत ही बड़ा घाव हो जाता है और वेजिटा जाकर गिरता है डेंडे के पास। और क्रिल गोहान कहता है ये सब क्या है क्रिलिन, और जो पिकोलो है वो तभी ज़मीन पर गिर जाता है और जो गोहान है उसे जाकर पकड़ लेता है और कहता है कि चलो क्या तुम ठीक हो पिकोलो। पिकोलो कहते हैं हाँ टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। फिर जो गोहान होता है उसे ज़मीन पर ले जाता है और कहता है जो हमारा दोस्त है डेंडे वो तुम्हें हील कर देगा, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। और जो क्रिलिन है वो आता है गोहान के पास और कहता है क्रिलिन, गोहान कहता है क्या तुम ठीक हो क्रिलिन, गोहान कहता क्रिलिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और जो वेजिटा है वो जाता है डेंडे के पास और कहता है कि मुझे जल्दी से हील कर दो प्लीज़ छोटे नेमिक। जो डेंडे है वो कहता है नहीं मैं तुम्हें हील नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि मैं सिर्फ सफा साफ दिल वाले को ही ठीक कर सकता हूँ और तुम्हारा दिल ब्लैक है। वो तभी उड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो जो फिजिटा है वेजिटा जमीन पर गिर जाता है और कहता है गेम ओवर। वो जो क्रिलिन और गुहा ने वो भागे हुए जाते हैं डेंडे को लेने के लिए, और क्रिलिन उसे वहाँ बता देता है कि कैसे कैसे उसने मुझे अटैक करने को कहा था और उसका पावर लेवल बढ़ने वाला है। और जैसे ही वो भागते हुए बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर से डेंडे उड़ा हुआ जाता है, और फिर जो डेंडे है वो चला जाता है पिकोलो के पास, और वो पिकोलो के पास जाकर उसका पावर लेवल बढ़ाने लगता है, मतलब कि उसे हील करने लगता है। और जो गोहान और क्रिलिन है फिर वो भी उसी के पास आ जाते हैं, और ये देख कर वो सब शोक हो जाते हैं कि उसने पिकोलो को बिल्कुल ठीक कर दिया है। और ये देख कर तो जो फ्रीजा है वो भी उसे देख रहा होता है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता करता। और जो डेंडे है डेंडे कहते हैं कि सर आप बिल्कुल नेल जैसे लग रहे हैं पिकोलो सर। तो तभी क्रिलिन बोलता है कि डेंडे तुम जाकर वेजिटा को ठीक कर दो, वेजिटा को हील कर दो, वो लड़ाई में हमारी मदद करेगा। डेंडे उसे कहता है नहीं उसने मेरे लोगों को मारा है मैं उसे हील नहीं कर सकता। फिर तभी पिकोलो उसके ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं डेंडे वो हमारी मदद करेगा, अगर हम ये जिंदा नहीं रहे तो इस नफरत का क्या होगा, जाओ और मदद करो। फिर जो फ्रीजा होता है उसके शरीर में टेढ़ सी आ जाती है और उसका पूरी बॉडी फट जाती है, मतलब कि अजीब सा धुआं धुआं उठने लगता है चारों तरफ से और हर जगह धुआं 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 बहुत ज़्यादा धुआं सफ़ेद धुआं। और ये देखकर गुहान के लिए और कहते हैं कि ये कैसी फॉर्म होगी, ये तो बहुत ही अजीब अलग तरह की फॉर्म होगी। तभी जो फ्री जो डंडे होता है ये देख कर डरने लगता है कि क्या ये कितना अजीब सा है, और उसे धुएं में कुछ नहीं दिखता। और फिर गुहान कहता है डंडे तुम जाओ और वेजिटा को हील कर, और डंडे उठकर चला जाता है वेजिटा को हील करने के लिए। फिर हमें हल्का हल्का फ्रीजा दिखाया जाता है, अब की बार उसका शरीर पूरा छोटा हो गया है और सफ़ेद और बैंगनी कलर का हो गया है जो कि देखने में काफ़ी दमदार लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और डेंडे हील कर देता है वेजिटा को, और वेजिटा उठता है और अपने हाथ पावर पहुँचा करता है और लात मारता है डेंडे को, कहता है थैंक यू बच्चे शुक्र मना मेरा मूड ठीक है जो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ समझे। फिर हमें फ्रीजा दिखाया जाता है, जो फ्रीजा है फ्रीजा पहले के हिसाब से थोड़ा सा हैंडसम हो गया है और वो देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, और उसकी पूंछ भी बिल्कुल सही हो गई है। और जो वेजिटा है वेजिटा कहता है यह मैं महसूस करता हूँ कर सकता हूँ एक सुपर सैयन की पावर को, एक असली सुपर सैयन की पावर को। और जो फ्रीजा है उसका शरीर मस्त मस्त लग रहा है भाई, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे, तब तक के लिए